माय लव स्टोरी विद तमादकुन एट लेवल 999 एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम एक गेमिंग कैफे को देख पाते हैं जो कि पूरा का पूरा द फॉरेस्ट ऑफ सेवियर गेम के ऊपर बेस है और वहां पर हर एक जगह उसी का ही इंट्रो सॉन्ग चल रहा होता है। और उसी कैफे में अकाने और यामादा अपनी गिल्ड की मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पर एटा के पास एक अनजान बुरा शख्स भी होता है और ये भी द फॉरेस्ट ऑफ सेवियर गेम खेलता है और वो इस गिल्ड का ही मेंबर है। और वही अकाने इन दोनों को देखकर सोचती है कि मैं यामादा और रूढ़ीहिमे को तो पहचानती हूँ लेकिन मैं इन दोनों को नहीं पहचानती, जिसके बाद और रूढ़ीहिमे से पूछने लगती है कि रूढ़ीहिमे ये दोनों कौन है, क्या ये दोनों भी हमारे ही गिल्ड में खेलते हैं। जवाब में रूढ़ीहिमे बोलती है वो आदमी मिस्टर कमोटा है और वो लड़का है एटा। और तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरा नाम रूढ़ीहिमे नहीं है और बाय द वे तुम कौन हो। और ये सुनने के बाद तो अकाने बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो तो रोने ही वाली होती है। तभी जो यामादा है वो बोलता है कि अच्छा होगा अगर हम हमारे पहले इंट्रोडक्शन को कर ले। और ये सुनने के बाद ही एटा अपना इंट्रोडक्शन करना शुरू कर देता है और वो बोलता है मैं एक ऑनलाइन गेमर और मेरा कैरेक्टर का नाम है रूढ़ीहिमे। और ये सुनने के बाद तो अकाने के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि उसको अभी पता चलता है कि रूढ़ीहिमे कोई लड़की नहीं एक लड़का है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाती है और वो बोलती है ये सब कुछ ऑनलाइन गेम में कॉमन है और ऑनलाइन गेम में कोई भी पर्सन कोई भी कैरेक्टर ले सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है और इसको नेकेमा बोलते है, मतलब कि एक लड़का जो कि गेम में लड़की कैरेक्टर से खेलता है। इसके बाद एटा अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देता है और तभी साइड से कमोटा एटा को शांत करने लगता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है और वो बोलता है मैं एक स्ट्रॉबेरी फार्मर हूँ। और कमोटा ये भी बताता है कि जो एटा का कैरेक्टर है वो रूना से सिमिलर है और यहाँ पर जो ये लड़की है इसका नाम ही रूना है और ये एटा का छोटी बहन है। और फिर कमोटा अकाने को बोलता है यामादा को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको तो तुम पहले से ही जानते हो। और ये सुनकर तो रूना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अकाने को बोलती है क्या मतलब है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। तभी साइड से यामादा बताने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है। तभी बीच में अकाने आकर बोलती है कि नहीं नहीं ये लंबी कहानी नहीं है, हम दोनों तो एक इवेंट में मिले थे। इसके बाद जो अकाने है वो तो यामादा को ही घूरी जा रही होती है जिसके वजह से जो रूना है वो अकाने के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। और फिर अकाने यामादा को बोलती है मैंने रूढ़ीहिमे और तुमको गेम में फ्लर्ट करते हुए देखा था और मुझे लगा था कि तुम दोनों कपल हो। जो सुनकर यामादा बोलता है एटा जब गेम में लॉगिन करता है तो वो पूरी तरीके से कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है और वो बहुत बार मेरे साथ फ्लर्ट भी करता है। जो सुनकर जो अकाने है वो तो हंसने लग जाती है और वो ये भी बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे लगा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। और ये सुनकर यामादा बोलता है मैं इन सब चीजों को लेकर कभी भी झूठ नहीं बोलता, जिसमें अकाने बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे और ये सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ। और ये बोलने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया और वो अपने मन में बोलती है मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैं खुश हूँ। तभी हम रूना को भी देख पाते हैं जो कि अकाने की तरफ बहुत ही भयंकर नजरों से देख रही थी और रूना अकाने से पूछती है कि आखिरकार तुम किस बात से खुश हो, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि तुम यामादा को पसंद करते हो। और ये सुनकर तो अकाने बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है और जवाब में वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी अचानक से एटा आकर रूना का मुंह बंद कर लेता है और एटा बोलता है मेरी बहन काफी ज्यादा क्यूट है लेकिन वो कभी कभार कुछ ज्यादा ही बोल देती है। और फिर वो रूना को पेट करने लग जाता है लेकिन जो रूना है वो एटा को मिडल फिंगर दिखा देती है और उसको नेकेमा बोलकर चिराती है जिसके वजह से एटा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वही दूसरी तरफ अकाने तो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है और उसके पास और कुछ बोलने को ही नहीं होता और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी अकाने देखती है कि जो यामादा है वो तो उसी को ही घूरे जा रहा होता है, जिसके बाद जो अकाने है वो भी यामादा को ही घूरे जा रही होती है और वो एकदम खो जाती है और इसके वजह से उसके हाथ में जो ग्लास था वो नीचे गिरकर टूट जाता है। और ग्लास टूटने के बाद अकाने को अचानक से होश आता है और वो ग्लास को ठीक करने लग जाती है। तभी यामादा अकाने के हाथ को हटा देता है और वो बोलता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी, इस कैफे के स्टाफ इसको साफ कर देंगे। और इसके बाद जो अकाने है वो अपना मुंह मोड़ लेती है और वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो अपने मन में बोलती है अब मैं यामादा को कैसे फेस करूंगी। वही यामादा भी अकाने के इस बिहेवियर को नोटिस कर लेता है और वो बोलता है मुझे एक कॉल करना है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और यामादा के जाने के बाद अकाने को थोड़ा रिलीफ मिलता है और फिर वो उठकर चेयर में बैठ जाती है। फिर वो एटा की तरफ देखती है और वो देखती है कि एटा तो काफी ज्यादा खुश है। वही जब वो रूना की तरफ देखती है तो वो देखती है कि रूना तो काफी ज्यादा गुस्से में है। फिर अकाने कामोटा से पूछती है कि आप एक दूसरे को कितने देर से जानते हो। जवाब में कामोटा बोलता है कि हम एक दूसरे को बहुत देर से जानते हैं और इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार मीटअप किया है। और कामोटा रूना के बारे में बोलता है कि रूना तो 3 महीने में एक ही बार गेम में लॉगिन करती है। वही जो एटा है वो तो आज के मीटअप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको पता था कि आज एक न्यू मेंबर आने वाला है। और ये सुनकर रूना गुस्से में आकर अकाने को बोलती है क्या तुम मेरे भाई के पीछे भी पड़े हुए हो। जवाब में अकाने बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वही दूसरी तरफ हम यामादा को देख पाते हैं जो कि बाहर बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर
पर एटा भी आ जाता है और वो यामादा के साइड में जाकर बैठ जाता है और वो यामादा को बोलता है, मुझे लगता था कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते लेकिन तुमने तो अभी झूठ बोला है। जिसमें यामादा बोलता है कि जब मैं वहाँ पर था तो मुझे अकाने से ऐसी वाइब्स आ रही थी कि वो मेरे पास रहने पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, मतलब कि वो मेरे पास नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह से मैं बहाना बनाकर यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर यामादा को अकाने के बारे में पूरी तरीके से गलतफहमी हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि अकाने क्या फील कर रही है और वो एम्बेरिस क्यों हुई है। जिसमें एटा बोलता है कि यामादा तुम ऐसे ही हो लेकिन तुम जो भी बोलो, रियल लाइफ में अकाने ची बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, वो अपने गेम वाले कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा अलग है। ये सुनकर यामादा अपने मन में बोलता है क्या अलग, मुझे तो वो दोनों एक ही लगते है। जिसके बाद एटा यामादा को बोलता है अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा तो तुमको कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगा। जो सुनकर यामादा बोलता है एटा क्या तुम मुझे ऐसा गर्लफ्रेंड के बारे में हार्ड टाइम देना बंद करोगे। तभी यामादा को अचानक से एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर एक लड़की बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और वो बोलती है यामादा क्या तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो। जवाब में यामादा कुछ भी नहीं बोलता और उसे खड़ा होकर देखते ही जा रहा होता है। फिर वो लड़की उसको गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन अगले सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उन लोगों का मीटिंग खत्म हो गया होता है और वो तीनों बाहर आकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बात ही की जा रहे होते हैं और इन तीनों का बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग भी हो चुका होता है। वही साइड से रूना इन तीनों को बहुत ही गुस्से के नजर से देख रही होती है और वो बोलती है अकाने मैं तुमको घिल से बाहर निकल कर रहूंगी। वही रूना का ऐसा रूप देख कर कामोटा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर यामादा और अकाने की घर का रास्ता एक ही तरफ होने की वजह से वो दोनों एक साथ ट्रेन में जा रहे होते हैं और वो दोनों ही ट्रेन में बहुत ज्यादा साइलेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। और इस मोमेंट से निकलने के लिए अकाने यामादा से बात करने की कोशिश करती है और फिर वो बहुत बार यामादा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन यामादा बहुत ही छोटा छोटा आंसर करता है और वो चुप हो जाता है, जिसकी वजह से उनका कॉन्वर्सेशन ज्यादा लंबा नहीं हो पाता। तभी अकाने नोटिस करती है कि बहुत सारी लड़कियां तो उसी की तरह भी घूरे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी ट्रेन का ब्रेक लग जाता है जिसकी वजह से जो अकाने है वो यामादा के ऊपर गिर जाती है, लेकिन यामादा अकाने को संभाल कर उसको एक अच्छी जगह पर रख देता है। इसके बाद अकाने फिर से नोटिस करती है कि बहुत सारी लड़कियां फिर से उसी की तरह भी देखे जा रही होती है। तभी उसको रियलाइज होता है कि सभी की सभी लड़कियां यामादा की तरफ देखती है ना कि उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर अकाने यामादा से पूछती है कि तुम डिनर में क्या खाने वाले हो। जवाब में यामादा बोलता है कि मुझे ज्यादा भूख नहीं है इसलिए मैं सिर्फ पुडिंग ही खाऊंगा। देन अगले सीन में वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर में होते हैं और यामादा एक पुडिंग ही लेता है जो देखकर अकाने फिर से शॉक्ड हो जाती है। देन वो दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं और घर जाते हुए अकाने यामादा से पूछती है क्या तुम घर में अकेले रहते हो। जवाब में यामादा बोलता है कि हाँ मैं अकेले ही रहता हूँ। वही अकाने ये भी बोलती है तो तुम्हारा खाने का क्या होता है। जवाब में यामादा बोलता है मैं हमेशा कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खरीद लेता हूँ या मैं बाहर का खाना खा लेता हूँ। ये सुनने के बाद अकाने अपने मन में बोलती है यामादा अभी हाई स्कूल में है, क्या उसकी मॉम उसके लिए टेंशन नहीं करती। और वो ये भी बोलती है नहीं नहीं मुझे दूसरे के फैमिली के मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर वो अचानक से यामादा को वहीं पर 10 मिनट के लिए रुकने के लिए बोलती है और फिर बहुत तेज दौड़ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद वो घर से वापस आ जाती है और उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है और उसमें बहुत सारा कड़ी और चावल होता है। फिर अकाने ये सब कुछ यामादा को दे देती है और वो बोलती है तुम ये सब कुछ रख सकते हो और वो बोलती है तुम्हें हमेशा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभार घर का खाना भी खाना चाहिए। अगर तुम अच्छी तरीके से खाना नहीं खाओगे तो तुम बड़े नहीं हो पाओगे और तुमने जो पुडिंग खरीदा है वो तुम डिजर्ट के तौर पर खा लेना। जिसमें यामादा बोलता है कि नहीं नहीं मैं इतना सारा कुछ नहीं ले सकता। जो सुनकर अकाने बोलती है मैं तुम्हारा गिलमेट हूँ, मैं गिलमेट होने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी अकाने के फोन में एक कॉल आता है और अकाने जब उस कॉल को पिक करती है तो वहाँ पर तो रूना होती है। वही दूसरी तरफ रूना बोलती है मैंने तुम्हारा नंबर मेरे बड़े भाई एटा से लिया है। और वो अकाने से ये भी बोलती है कि मैंने सुबह तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर किया है इसलिए मुझे माफ कर देना। और ये सुनकर तो अकाने बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है नहीं नहीं मैं ज्यादा माइंड नहीं करती। और रूना अकाने को ये भी बोलती है मैं तुम्हारे साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना चाहती हूँ नेक्स्ट सैटरडे को। जो सुनने के बाद तो अकाने काफी ज्यादा खुश होती है और रूना को वो हाँ बोल देती है। और इस साइड से यामादा ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है और वो सब कुछ सुन भी लेता है। इसके बाद अकाने रूना से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है जिसकी वजह से यामादा अकाने को और कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो खाना ले जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। देन वो अपने घर पर खाना लेकर आ गया होता है और फिर वो बैठ जाता है और अपने फोन में कैलेंडर चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि नेक्स्ट सैटरडे को रूना का ट्यूटरिंग जॉब था। और ये देखकर यामादा अपने मन में बोलता है शायद से मैंने कुछ गलत सुन लिया था। और यही पर ही हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मुझे मालूम है कि ये एपिसोड काफी ज्यादा लेट आया है लेकिन मुझे माफ कर देना, इसके बाद मैं एपिसोड बहुत ही जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।